सराय ख्वाजा थाना एरिया से गैस कटर के द्वारा सुनार की तिजोरी काटकर 40 लाख रुपए के आभूषण चोरी करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर के प्रभारी इंस्पेक्टर सेठी मलिक व उनकी टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसी विषय में आज पुलिस प्रवक्ता आदर्शदीप सिंह ने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 28-29 जनवरी की रात को सराय ख्वाजा एरिया में एक ज्वेलरी की दुकान में 40 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए थे, जिसके बाद से आरोपी फरार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी किया हुआ माल बरामद कर लिया है। आदर्शदीप सिंह ने बताया कि आरोपी ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि वो पहले भी चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी अकेला ही वारदातों को अंजाम देता था। 30 जनवरी को ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई थी, जिसमें करीब 40 लाख का सोना चोरी कर लिया था, जिसमें हमने एक राशिद नाम के लड़के को अरेस्ट किया, जो कि यूपी का रहने वाला है, ग्रेटर नोएडा का। इसके खिलाफ करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ये हमेशा ज्वेलरी शॉप में ही चोरी करता है, और इसने यहाँ पर एक हफ्ते रेकी करके अल्टीमेटली इसमें चोरी करी थी 40 लाख की, इस तरह मार्केट की ज्वेलरी शॉप में, जिसमें हमने 100% रिकवरी कर दी। गैस कटर की यूज़ करता है, जिसमें कई कभी बार तो छतों के ऊपर से चढ़ के जो भी उसमें एंट्रेंस होती है, गेट हो या दरवाजा हो या कोई दीवार जहाँ से इसको लगे के बीच है, वहाँ से कट करके और अपना चोरी करता है। इसने ये छत के ऊपर से गया था और वहाँ पे एक जो दरवाज़ा था उसको कट करके गैस कटर से गिरे अंदर। दर्जन मामले दर्ज हैं इस पे, जो कि दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, हरियाणा में। हमने 100% रिकवरी कर ली है, जितनी चोरी हुई थी 100% की 100% रिकवरी कर ली है, करीब 40 लाख की रिकवरी हुई।